वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक और मोनेटाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने वाली कैटेगरी के बारे में। ये कैटेगरी हमारे पास आती है बहुत से बड़े बड़े चैनल्स हैं और ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस कैटेगरी पर बहुत व्यूज आते हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग है। लेकिन यहाँ पर दो ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारा रोस्टिंग चैनल टर्मिनेट हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, डिलीट हो सकता है या फिर ये जो चैनल है इसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। अब ये दो बड़ी गलतियां मैं आपको क्यों बता रहा हूं या कहां से बता रहा हूं, तो इसका रीजन ये है कि मैं आप जैसे क्रिएटर से बात करता हूं अपनी आईडी पर और मोनेटाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बात करने की वजह से आप जैसे क्रिएटर मुझसे बात करते रहते हैं। तो यहां पर कल भी और उससे पहले भी क्रिएटर से बात की तो बात करने के बाद पता चला कि दो सिमिलर ऐसी गलतियां हैं जिसको करने के बाद जो हमारा रोस्टिंग चैनल है वो टर्मिनेट, सस्पेंड, डिलीट या डीमोनिटाइज हो सकता है। अब जब आपको पता है कि अगर एक क्रिएटर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब वो मोनिटाइजेशन इनेबल करने चाहता है और मोनिटाइजेशन इनेबल ना हो और हमें उसको ये बताना पड़े कि आपके इस चैनल पर मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं होगी क्योंकि आपकी मेहनत के बाद भी आपके इस कॉन्टेंट में आपकी ऐसी गलती है जिसकी वजह से YouTube आपके कंटेंट को मोनिटाइज नहीं करेगा और आपके चैनल को कभी भी रिमूव, डिलीट या टर्मिनेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, रोस्टिंग चैनल पर दो चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक, एक आपकी ऑडियो। अगर आप सिर्फ ऑडियो के साथ करते हैं क्योंकि क्रिएटर्स बहुत सारे स्टार्ट करते हैं वो सिर्फ अपनी ऑडियो वॉइस ओवर से ही अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं। आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, आपका वॉइस ओवर, आपकी जो ऑडियो है वो, और उसके साथ फिर आपके पास जो है वो क्लिप्स, जिन क्लिप्स के ऊपर आप रोस्ट करें, जिन क्लिप्स के ऊपर आप बात करें, जिन क्लिप्स के ऊपर आप अपनी एक फनी कॉमेडी या एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो को बना रहे। अब जब आप किसी भी क्रिएटर की आप उस क्लिप को अपनी वीडियो पर यूज करते हैं गेम प्ले के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, तो यहां पर जो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, जो हमारे पास सबसे पहला जो चैनल पर मसला आता है या खतरा मंडलाता रहता है हमारे चैनल पर, वो होती है स्ट्राइक की। अब जब भी हम किसी क्रिएटर के बारे में बात करते हैं, किसी भी क्रिएटर को रोस्ट करते हैं, किसी भी पर्सनैलिटी को रोस्ट करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, रोस्टर ये देखता है वो सेलिब्रिटी क्या कितनी ज्यादा फेमस है या वो अभी ट्रेंडिंग पर चल रही है। अगर वो ट्रेंडिंग पर हो और वो ज्यादा फेमस हो तो उसी पर बात करते हैं, उसकी उस ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो पर या क्लिप पर या रील पर किसी भी चीज पर बात कर रहे होते हैं और उसको अपनी वीडियो में यूज करना पड़ता है। यूज नहीं करेंगे तो बात ही नहीं हो सकती। तो जब यूज करते हैं तो ये बात आपको बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है और ये आपके लिए खतरा रहता है कि वो क्रिएटर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। अब यूट्यूब पर एक और रूल भी है कि अगर आपका YouTube पर चैनल नहीं है लेकिन आपके रिलेटेड अगर कोई रोस्ट बनाता है तो आप वहां पर YouTube पर जाकर अपील करने के बाद वहां पर उस चैनल को स्ट्राइक दे सकते हैं कि इसने मुझ पर बात की है और मेरी क्लिप्स को यूज किया है अपनी वीडियो में। अब यहां पर जो रोस्टर्स हैं वो तो उनको क्लिप्स तो यूज करनी पड़ती है, तो अब यहां पर जो एक सेव पॉइंट रहता है और ये जो एक सेव तरीका है वो जो तरीका है वो है सिर्फ 15 सेकेंड्स। अगर आपको कोई भी क्लिप यूज करनी है तो 15 सेकंड्स की क्लिप आप अपनी वीडियो में यूज करें और फिर उसके बाद उस क्लिप के अंदर जो उसकी ऑडियो है उस ऑडियो को चेंज करें, उसमें वॉइस चेंजर यूज करें और फिर उस वीडियो के ऊपर कोई फिल्टर यूज करें, कोई कलर फिल्टर यूज करें और उस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा छोटा कर दें, शॉर्ट कर दें और जो गेम प्ले चल रहा है उसके ऊपर लगाएं उसको और अलग से क्लिप को प्ले नहीं करें, पूरी क्लिप को प्ले नहीं करें। जितना ज्यादा आप क्लिप को कम यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप कम यूज करेंगे और अपनी वॉइस ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा स्ट्राइक से आप बच पाएंगे और स्ट्राइक के चांसेस कम रहेंगे। अब ये तो बात हो गई क्लिप से रिलेटेड, ये तो बात हो गई किसी के कंटेंट को लेने के लिए और कंटेंट को लेकर यूज करने पर। अब ये जो पहली गलती होती है वो मैंने आपको बताई स्ट्राइक आती है अगर इसमें कोई भी हमसे गलती हो जाए और वो क्रिएटर हमें स्ट्राइक दे दे। अब न्यू चैनल होता है तो न्यू चैनल पर क्या है कि कोई जानता नहीं है तो आप किसी से कह भी नहीं सकते कि इसने मुझे स्ट्राइक दिए, तो आप रीट्वीट करें या कुछ भी करें और उस स्ट्राइक से मुझे बचाएं, या आप अपील भी नहीं कर सकते अपने चैनल के ऊपर, या आप किसी को अपने फॉलोवर्स को नहीं बता सकते क्योंकि आपके फॉलोवर्स तो अभी बनना शुरू होंगे, अभी बने नहीं है, तो आप जब जैसी क्लिप यूज करेंगे वैसी आपके पास स्ट्राइक आ जाएगी तो चैनल तो वैसे ही 3 स्ट्राइक के बाद खत्म हो जाएगा। और अगर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई, कम्युनिटी की तरफ से स्ट्राइक आ गई, तो आप चैनल मोनिटाइज भी नहीं करवा सकते, तो वो भी आपके पास एक खतरा है। आपको कम्युनिटी को भी देखना है, अगर आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं तो वो डायरेक्ट यूट्यूब की तरफ से आपके पास स्ट्राइक आ जाएगी अगर कोई क्रिएटर दे या ना दे।
अब ये सारे reasons हो गए, मैं आपको monetization से related इसीलिए बताता रहता हूँ कि अगर आप एक new creator हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने channel पर काम क्या करना है, और अगर आप इस category पर काम करते हैं तो इस category पर भी आपको कैसे काम करना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी गलती की, जिस दूसरी बड़ी गलती की वजह से हमारा एक monetized channel terminate suspend हो सकता है या एक न्यू चैनल मोनिटाइज नहीं हो सकता और मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं होगी, भले उस पर व्यूज आ रहे हो, भले उस पर सब्सक्राइबर्स हो, ऑडियंस हो, तो वो गलती होती है हमारी लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी लैंग्वेज को नहीं देखेंगे कि आप जो रोस्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, रोस्ट बना रहे हैं, उस पर आप अपनी लैंग्वेज कैसी यूज कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं अगर आपको बोलूं कि अपनी लैंग्वेज में बैड वर्ड्स यूज ना करें, गाली गलौज ना करें, तो आप बोलेंगे इतने बड़े बड़े क्रिएटर थे वो तो गाली देते हैं। अब अगर वो गाली देते हैं और उसकी गाली के ऊपर कोई उनको स्ट्राइक आती है तो उनके पीछे ऑडियंस मिलियन में मौजूद है उनको सपोर्ट करने के लिए और उनके पास व्यूज भी हैं। अब आप एक न्यू चैनल क्रिएट करें और अगर स्टार्टिंग में आप गाली गलौज कर देंगे, बैड वर्ड्स कर देंगे, आगे भी जाके नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही करते हैं बड़े क्रिएटर्स को देखकर, तो यहाँ पर क्या होता है कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से आपको स्ट्राइक दे सकता है, आपके चैनल को हटा सकता है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो अगर आप ऐसा करते हैं और करने के बाद आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको यही वीडियो, इसी तरीके की वीडियोस टैग चैनल पर जाकर देखनी पड़ेंगी। मैं आपको बताता रहता हूँ मोनेटाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, एरर की प्रॉब्लम हो, इन प्रोग्रेस की प्रॉब्लम हो, रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मिसलीडिंग की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ आती रहती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जब भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये दो गलतियाँ करते हैं तो आपका चैनल जो है वो रिस्क में है और आपका चैनल कभी भी यूट्यूब हटा सकता है। आई होप आपको आज की इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपने इन दोनों प्रॉब्लम्स को आज समझा होगा। अब आप ये गलतियां नहीं करेंगे, ये दोनों गलतियां, अगर आप ये दोनों गलतियां नहीं करेंगे तो आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा, ग्रो होगा, साथ साथ ग्रो होगा और अर्निंग भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप कोई प्रॉब्लम पर बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर आ सकते हैं tag.sayedata पर, और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।